कोरबा में चोरों के कारण लोग काफी परेशान हैं। चोरों की नजर ऐसे आवासों पर बनी हुई है जहां रहने वाले लोग काफी समय तक बाहर कामकाज के लिए चले जाते हैं। कोरबा के न्यू रेलवे कॉलोनी में निवासरत मैकेनिकल स्टाफ शेषनाथ के घर चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने बाहरी हिस्से कुंदा तोड़ने के साथ प्रवेश किया, वहां रखा बहुत कुछ सामान चोरी कर लिया। चोरों ने काफी देर यहां बिताने के बाद जाते जाते दरवाजे को भीतर से बंद कर दिया। ड्यूटी करने के बाद जब रेल कर्मी शेषनाथ अपने आवास पर पहुंचे तो उसे आवास का ताला टूटा हुआ पाया, भीतर से दरवाजा बंद था। शेषनाथ ने बताया कि वह पिछले हिस्से से अंदर पहुंचे तब उन्हें इस हरकत की जानकारी हुई। रेलवे कॉलोनी में चोरी की घटना होने पर सूचना मिली तो पुलिस हरकत में आई। अधिकारियों ने यहां का जायजा लिया और जांच में जुट गई। मनोज कुमार की रिपोर्ट। बताइए। शेषनाथ जी। शेषनाथ क्या करते हैं? रेलवे में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मैकेनिकल में सेंटर में। अच्छा, शेषनाथ जी बताइए क्या घटना घटित, कितने समय की बात है ये? रात में 12 बजे हम ड्यूटी से ऑफ होकर आए थे, तो बाहर का गेट मेरा थोड़ा बंद था, खोले अंदर आए तो अंदर आए तो लाइट ऑफ था सब। उसके बाद क्या कि जैसे गेट खोलने की कोशिश की देखे तो उसका कब्जा उसका टूटा हुआ था, उसको धक्केने की कोशिश की तो अंदर से बंद था हुआ है। फिर क्या कि हम बाहर चले गए, बाहर गेट में ताला मार के और अपना मित्र को फ़ोन किए हैं। मित्र को फ़ोन करने के बाद उसके आने के बाद हम क्या किए, वो पीछे से जाके अंदर घुसे, दीवार खींच करके हल्का अंदर का गेट खोला है कि गाड़ी वहाँ पर बाहर में खड़ी हुई पड़ी हुई थी बहुत देर से। तो उसको हम थाना में खबर किए गाड़ी है मेरे घर के सामने खड़ी है और ऐसे ऐसे मेरे घर में हुआ है, तो प्रशासन आई अपना उसका गाड़ी को अपना लेके गई। क्या चोर जब उस वक्त आया तो बंदा से बंद था, क्या लग रहा था उस समय, रहे होंगे चोर? अब ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि अंदर से बंद था वो है, तब तो देखे नहीं कोई किसी को। सर बताएंगे रेलवे कॉलोनी क्या क्या घटना, क्या मामला है? कॉलोनी में रेलवे कर्मी के घर में चोरी का प्रयास बीती रात को हुआ था। कुछ युवक को वहाँ पर देखे गए थे गश्त के दौरान पे, पार्टी अलर्ट की गश्त की पार्टी वहाँ पहुँच गई, जिसे देखकर वो लोग भाग गए। और एक वाहन मिला है, तस्दीक कर रहे हैं उसका कि वाहन उन्हीं लोग का है कि किसी और का है। वाहन को फिलहाल जब्त किया गया है।